ठीक है गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। यहाँ पर है कॉनमेबल चैंपियंस लीग का मैच ऑलवेज रेडी वर्सेस डीसी के बीच, और ये सुबह मैच मैं कवर करने वाला हूँ 7:30 बजे। ठीक है, ये मैच सुबह भी आएगा, सुबह इधर पोस्ट होगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ, वरना मैं सुबह उठता नहीं हूँ। कोई बेकार मैच होता है ना तो मैं सुबह लेट उठता हूँ, लेकिन ये अच्छा मैच है इसलिए मैं स्पेशल उठूंगा इस मैच के लिए, स्पेशल मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, ओके, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फटाफट आकर जुड़ जाओ, फटाफट मतलब वेट करते रहो बस इस टीम की, एंड मैं पोस्ट कर दूंगा 10 मिनट पहले। तो बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, तो ऑलवेज रेडी वर्सेस डीसी में अगर आप टैली करो तो नेचुरली ऑलवेज रेडी उनसे रैंकिंग में ऊपर है, हेड टू हेड मैचेस रिकॉर्ड में ऊपर है, हाईएस्ट गोल्स में ऊपर है, 6-1 से भी इन्होंने टीम हराई है इस सीज़न। सो ऑलवेज रेडी जो टीम है उसके साथ हूँ मैं। सबसे पहले मैं बात करूँ गोल कीपर की, यहाँ पर मैं लूँगा भाई गुलेरमो डी एमोर्स। तो यहाँ पर गुलेरमो डी एमोर्स को यहाँ पर मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा भरोसा है कि मुझे पता है प्लेयर चलेगा, क्योंकि अगर हम हर मैच इवन हमें ऑलमोस्ट मैचेस खेलने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना कि मतलब सिर्फ खेलते हैं नाम वाले मैच, लेकिन ये भी मैचेस ऐसे होते हैं जो कि आपको विनिंग प्लेटफॉर्म अच्छा दिला सकते हैं। एंड आगे से अगर मैं बात करूँ फ्लोर्स की, देन यहाँ पर एक ए प्लेयर है ई फ्लोर्स, तो एनरिक्यू फ्लोर्स या ए मार्टिनेज में एक बंदा लेना है मैंने। अब एड्रियन मार्टिनेज भी अच्छा, तो यहाँ पर मैं काफ़ी ना कन्फ्यूज हूँ। सो ये कन्फ्यूजन तो सुबह मिटेगी लाइनअप्स के बाद। सो वी टैली द लाइनअप्स, पहले हम टैली करेंगे लाइनअप सुबह, उसके बाद देखेंगे क्या है। एंड अब तब तक के लिए एन कैब्रेरा भी ले रहा हूँ, नेल्सन कैब्रेरा, जिसने कि इस सीज़न गोल भी लगाया, काफ़ी असिस्ट भी की और भरोसा जमाया अपनी टीम पे, तभी आज ये बंदा प्लेइंग 11 में जगह पक्की करके बैठा है। एंड आगे से बात करें, यहाँ पर है मार्क एनोबा, तो मार्क एनोबा को आप अभी ले लीजिए, अगर बदलाव करना होगा तो मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा, बाकी अब तक ऐसा लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है अभी बदलाव की। एंड आगे से बात करें मिडफील्डर की, भी यहाँ पर एक प्लेयर है जी क्रिस्टाल्डो, गुस्टावो क्रिस्टाल्डो को अभी मैंने छोड़ा हुआ है, और इसको हर ओपोनेंट आपका लेके आएगा। देखो मैं क्लियर बात करता हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, मैंने ड्रॉप किया और आपका ओपोनेंट इसे लेके उतरेगा। अब जीत कहाँ से होगी आपकी, अगर ये प्लेयर चल जाता है देन आपको लॉस कंफर्म है, मैं देखो क्लियर बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर आपका एक प्लेयर है एरेब, और एरेब है पेनल्टी टेकर, एरेब करता है रेयर गोल्स, हर मैच में 1 से 2 गोल रेयर करता है हर 5 मैच 6 छोड़ के। और आगे से बात करें कार्लोस की, कार्लोस पहले किसी और टीम से आया है, जुआन कार्लोस इनका काफ़ी पुराना प्लेयर नहीं है, शायद ही अभी अभी ऐड हुआ है, क्योंकि मैं इस लीग पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं, मुझे लगा था कि वैसी मतलब पता नहीं क्यों आगे, पर इसने अपनी वैसे वो नहीं, इतने सारे प्लेयर्स नहीं बदले, जैसे रोनाल्डो जुवेंटस में था, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में चला गया, मेस्सी बार्सिलोना में था, वो पेरिस सेंट जर्मन में चला गया, वो हिसाब है। एंड रॉबल्स की बात करें, अभी तो रॉबल्स को सब लेंगे, क्योंकि कार्लोस रॉबल्स आपको लग रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन रॉबल्स भी रेयर प्लेयर है, अगर चल गया तो चल गया, ना चला तो भाई ख़त्म, मतलब ऐसे ही प्लेयर्स हैं इनको लेना ज़रूरी होता है। आगे से अगर बात करें रोमेलो की, रोमेलो को ज़रूर लेना, रोमेलो सबसे ज़्यादा गोल कर रहा है इस सीज़न एक प्लेयर के बाद, जिसका नाम है रिकुलम, रिकुलम के बाद सबसे ज़्यादा गोल जिस बंदे के हैं वो है रेमेलो, तो दोनों को ज़रूर लेना, सिलेक्शन बहुत कम है, फ़ायदा उठा लो। सुबह सुबह कई लोग उठ भी नहीं पाते, कॉन्टेस्ट रात को ही ज्वाइन कर लेते हैं, सुबह लेट उठते हैं, फिर देखते हैं हार गए, तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हो भाई, सीधी बात है। एंड ग्यूट्रस की बात करें, टेफिलो ग्यूट्रस में कुछ खास नहीं है, छोड़ना छोड़ दो, अगर आपको उसकी जगह डिफेंडर लेना ले लो। आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है मेरा रिकुलम, वाइस कैप्टन रेमेलो, अगर आपने सेफ जाना है तो कुछ ना करो, कॉम्बिनेशन को रिवर्स कर सकते हो, ये है मेरी सेफ टीम, पहले वाली रिस्की थी, कुछ खास फर्क नहीं, आपने जिसके साथ जाना जा सकते हो, बाकी मैं सुबह पोस्ट कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।